Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Hope everything good guys and happy Navratri guys. और आज का वीडियो होने वाला है मिंत्रा हॉल, आपकी फेवरेट. आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ कुर्ती सेट पिक करा है मैंने, कुछ गाउन्स पिक करे हैं एंड टू पीस सेट्स है. बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आउटफिट्स है गाइज एंड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर लीजिए. और ये वीडियो पसंद आए गाइज तो प्लीज़ मेक श्योर करो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो गाइज. आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट एंड लाइक जरूर से कर देना, उसे बहुत मोटिवेशन मिलती है. एंड कमेंट में बताओ कि कौन सी ड्रेस या गाउन या टू पीस सेट आज के हॉल में आपको पसंद आई. एंड नाउ विद नॉट अ वर्ड डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट मैंने ये गाउन पिक करा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल बीच सॉलिड गाउन है गाइस. स्क्वायर नेक लॉन्ग पफ स्लीव्स के साथ है, मैक्सी लेंथ इन फ्लेयर्ड हेम, सैटन मटेरियल है, अटैच दुपट्टा कम्स विद बेल्ट. सो बहुत ही ब्यूटीफुल सीक्वेंस एंड थ्रेड का वर्क का ये बेल्ट आ रही है. और इस पर जो दुपट्टा है वो कुछ इस तरीके से फ्रंट पे है, प्लीट्स ऐसे बनी हुई है, मटेरियल सैटन है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है. एंड साइड से यहाँ पे अटैच्ड है, लाइक आपको कुछ भी करने का टेंशन नहीं है. पीछे को तो दुपट्टा नहीं है, पीछे से गौन ही लगेगा, बस इसकी जो फ्लेयर प्लीट्स जो दुपट्टे की बन रही है कुछ ऐसी बन रही है जो सामने से मैं दिखा रही हूँ. और यहाँ पर मैंने हील्स नहीं पहने हुए हैं, मेरी हाइट 5'4" है और आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट लेंथ आ रहा है. अगर आपकी हाइट कम भी है तो भी हील्स के साथ ही अच्छी लगेगी, ज़्यादा है तो भी बहुत अच्छी लगेगी. तो परफेक्ट लेंथ है गाउन का. इनर लाइनिंग के साथ आ रही है गाइज और बहुत ही कंफर्टेबल है. 2500 रुपीज़ में मिली है, मीडियम मेरा साइज़ है. अभी सेल चल रही है मिंत्रा पे तो काफ़ी इंडर्स की जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, तो इस टाइम पे परफेक्ट होता है महंगे महंगे ब्रांड्स लेने को, क्योंकि मिंत्रा बहुत अच्छे प्राइस में देती है. गोल्डन हील्स जो मैंने पहना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये भी मिंत्रा से है. फेस्टिव को ध्यान में रखते हुए मैंने 2-3 जोड़ी यू नो फुटवेयर भी मंगाई है. ये नेकलेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये थोड़ा सा पहले मैंने मंगाया था. और क्योंकि इस पर रेड कलर बहुत प्यारा लगता तो रेड वैसा मेरे पास कुछ नेकलेस में अभी था नहीं, तो मैंने गोल्ड और सिल्वर का टोन मैच करा है. बेल्ट ब्यूटीफुल है, इस तरीके से बेल्ट लगाया है. जो फ्लावर लगाई है मैंने वो अमेजोन से है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. जिसकी स्लीव्स है जो बेल्ट पर वर्क करा हुआ है ना, सेम आपको स्लीव्स पर वर्क मिल रहा है. इसकी स्लीव बहुत ब्यूटीफुल है, नेकलाइन स्क्वायर बहुत परफेक्ट है एंड स्लीव जो पफी पफी है बहुत प्यारा है. इतना लाइट वेट मटेरियल है कि पहनने पर बिल्कुल भी अनकम्फर्ट नहीं लगेगा, बहुत प्यारा है. हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, जल्दी से ग्रैब कर लो क्योंकि बहुत जल्दी इंडस्ट्री की आउट ऑफ स्टॉक जा रही है. ऐसे बहुत सारी ड्रेसेस मेरे विशलिस्ट में थी जो मैं देख रही हूँ फटाक फटाक निकल रही है. सो कमेंट में लेकिन बताना गाइस कि कैसे लगे. नेक्स्ट मैंने पिक करा है गाइस कुर्ती दुपट्टा और प्लाजो कुर्ती सेट है. ये फ्लोरल प्रिंटेड ए लाइन शेप रेगुलर स्टाइल स्वीट हार्ट नेक के साथ है, लॉन्ग पफ स्लीव है, इस पर ऑर्गेन्जा मशीन वेव फैब्रिक है गाइस. इस पर ट्राउजर आपका कॉटन का मिल रहा है, दुपट्टे के साथ है. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है, 2900 रुपीज़ में मिली है, साइज़ मेरा इस पर मीडियम है. एंड जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस ड्रेस की वो है इसका स्वीट हार्ट नेक लाइक नेकलाइन जो है ना इतने अच्छे से फिट हो रहा है और इतनी परफेक्ट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगे ना. इसका ऑर्गेन्जा जो मटेरियल है उस पर लाइट पिंक का जो वर्क करा हुआ है और वैसे ऑर्गेन्जा बहुत कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता है, बट ये इंडस वाली जो कुर्ती है इसका जो ऑर्गेन्जा मटेरियल है बहुत कंफर्टेबल है. इनर लाइनिंग कुर्ती पे तो पूरी मिल रही है बट स्लीव पे नहीं मिल रही, और ऐसा बिल्कुल भी स्लीव पे इचिंग नहीं हो रहा है मुझे या कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मैं कह सकती हूँ बहुत कम्फर्टेबल है. एंड इसकी फ्लेयर एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, नॉर्मल है. सैटन का इसका इनर आ रहा है, इनर लाइनिंग के साथ है, बहुत ब्यूटीफुल लुक आ रहा है गाइस. कॉटन मटेरियल है ट्राउज़र का एंड दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा सेम है, बट दुपट्टे पे जो चारों कोने पे ना टैसल पिंक कलर की दी हुई है, वूल वाली जो होती है ना वैसी, तो वो बहुत प्यारी लग रही है. ओवरऑल अगर आप लुक देखोगे तो जब आपको रिसीव होगा ना फैन हो जाओगे. और मैंने इसको स्टाइल करा है जूड़े के साथ, फ्लावर्स के साथ, क्योंकि मैं ये जो फ्लावर्स है इससे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ ना कि मुझे इसके बिना कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है. सो दुपट्टा मैं बहुत ही क्लोजली आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से इसकी जो टैसल है, प्लेन दुपट्टा आपको मिल रही है, लेंथ काफ़ी अच्छी है, विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ पहनने पे मतलब ऑर्गेन्जा ऐसा मटेरियल है कि इतना दुपट्टा इनफ है, बहुत कंफर्टेबल है. और मैंने इस तरीके से स्टाइल करा, आप ओपन बंद भी रख सकते हो, मिड पार्ट भी कर सकते हो. सो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताओ, हाईली रिकमेंड करूँगी. साइज़ मीडियम है, प्राइस 2900 रुपीज़ है एंड इस पर मैंने यू नो एक नोज पिन भी डाला है थोड़ा लुक चेंज करने के लिए. और ये वाइट फ्लावर्स और येलो क्रीम कलर का
फ्लावर्स मैंने लगाए हैं हेयर बन पे जो मुझे अमेजोन से मिली है, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और कोई भी क्वेरी हो आपको सूट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर पूछ सकते हो। सो कमेंट ज़रूर से करना कि कैसी लगी, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने पिक करा है गाइस शरारा सेट, और इस पर आपको शरारा क्रॉप टॉप अंदर को और एक कुर्ती मिल रही है, इस पर दुपट्टा नहीं है। सो ये टैन टॉप क्रॉप टॉप काइंड ऑफ इनर लाइनिंग मिल रही है, पॉलिस्टर मटेरियल है एंड नीचे को इलास्टिक है। ये इसका शरारा है, बैक में आपको इलास्टिक मिल रही है, और पूरी शरारा अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली है। इस पर वाइट वाइट ऐसे डॉट्स शिमर वाले बने हुए हैं, पॉलिश शिफॉन मटेरियल है, मटेरियल बहुत सुपर फाइन है गाइज। बट हाफ इनर लाइनिंग इस पर शरारा पे आपको मिल रही है, जहाँ से प्लेट शुरू हो रही है वहाँ से इनर लाइनिंग नहीं है। सो बहुत ही मॉडर्न शरारा सेट है गाइज, एंड नीचे को ये जो क्रॉप टॉप उसका मटेरियल का एक पट्टे मिल रहा है। सो अगर आप इसकी कुर्ती देखोगे तो पूरी शेयर कुर्ती है, ट्रांसपेरेंट, और दो डोरी इस पर मिल रही है, बेल स्लीव्स के साथ है। सो ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न ड्रेस है, लाइक आप जैसे होता है ना कि इस फेस्टिवल आप कुछ बहुत ज़्यादा हेवी पहनना नहीं चाहते हो, आप एक हॉट पैंट पहनते हो और वेस्टर्न पहनना आपको पसंद है, तो उनको जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न पहनते हैं, इंडियन आउटफिट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट सेट है गाइस। बहुत ब्यूटीफुल है, हाईली रिकमेंड करूँगी। पहनने के बाद आप देखोगे तो टैंक टॉप हाफ दे दिया है तो कुर्ती बहुत ज़्यादा शेयर नहीं लग रही है, दो बांधने की डोरी तो इस पर अंदर को दी हुई बाहर को दी हुई है, स्लीव परफेक्ट है, साइज़ मीडियम है, 1700 रुपीज़ इसका प्राइस है। और नीचे बस थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, लेग नज़र आ रही है, बट जो कंफर्टेबल है उनके लिए तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है, प्राइस ऑसम है, इसको स्टाइल कराया मैंने एक सिल्वर ज्वेलरी के साथ जो मैंने ऑफलाइन ली थी लोकल मार्केट से, इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी। इसे सिल्वर फुटवेयर डाला है और बैग ये ब्लू कलर की ली है, ब्लू गोल्डन कॉम्बिनेशन में, तो परफेक्ट लुक लगी मुझे। आपको कैसी लगी आप मुझे बताओ, और मैं हाईली रेकमेंड कर रही हूँ, बहुत प्यारी और मेरे पे आई गेस मुझे बहुत मेरे पे अच्छी भी लग रही है। सो इस पे कोई और कलर ऑप्शन होगा ना तो मैं 100% ग्रैब करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा यू नो आपके लेग नज़र आ रहे हैं या फिर अनकम्फर्ट होगा, अगर वेस्टर्न पहनते हो तो कम्फर्ट है, बट अगर आप इंडियन पहनते हो तो माइट भी आपको अंदर थोड़ा चूड़ीदार वगैरह पहनना पड़े। फ्लेयर भी अच्छी है, पॉलिश शिफॉन मटेरियल है, और आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट मैंने पिक करा है टू पीस सेट, और ये भी बहुत ही डिफरेंट है गाइस, बहुत यूनिक है। पहले मैं इसका प्लाजो कम स्कर्ट दिखा दूँ। सो ये अंदर से प्लाजो है और ऊपर से लेयर दिया हुआ है स्कर्ट की। सो ऊपर का जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है एंड प्लाजो रेयन मटेरियल में है। सो आप देखो ये प्लाजो है, ठीक है, और इसकी फ्लेयर काफ़ी अच्छी है, और ऊपर से आपको लेयर अप करने के लिए लाइक प्लाजो नज़र नहीं आया, कुछ डिफरेंट लगे, तो दोनों तरफ आपको स्कर्ट की लुक मिल रही है। तो इतना यूनिक लगा और इतना ब्यूटीफुल लगा, और जो इसका टॉप है पूरा शेम लाइक सीक्वेंस का वर्क करा हुआ है फ्रंट पे, एंड पेपलम डिज़ाइन है इसकी, ये जॉर्जेट मटेरियल में इनर लाइनिंग आपको हाफ मिल रही है, और स्लीव्स में आपको इलास्टिक मिल रही है, स्लीव्स में पूरा सीक्वेंस का वर्क है, बैक से आपको प्लेन मिल रही है। साइज़ मेरा मीडियम है, प्राइस 2300 रुपीज़ में मुझे मिली है, कलर मरून है, फेस्टिव के लिए परफेक्ट है, शादियों के लिए परफेक्ट है, और मैं इसे हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। इतना डिफरेंट, इतना यूनिक और इतना ब्यूटिफुल ड्रेस है, ओ माई गॉड। और कलर आई गेस मुझे मिलता है, अगर किसी को मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में उसका लिंक दो, बहुत प्यारा ड्रेस है गाइज। एंड इसको मैंने सिंपल रखा है, गोल्डन ईयरिंग्स डाले हैं, और फिटिंग बहुत प्यारी लग रही है, लुक बहुत प्यारी लग रही है, एंड मैं ऑब्सेस्ड हूँ इस रोज़ फ्लावर से, तो ऑब्वियसली मैं इसे लगाए बिना मेरा कोई लुक कंप्लीट नहीं हो रहा, आप टोटली इसे इग्नोर कर सकते हो। सो कैसी लगी कमेंट में बताओ, और मैं आपको बहुत ही ट्राई कर रही हूँ, अच्छे से ट्राई कर रही हूँ दिखाने को कि इसकी लुक कैसी आ रही है। इस पर टू पॉकेट्स भी है तो बहुत बहुत प्यारी लगी, कंफर्टेबल भी है, क्योंकि अंदर का जो प्लाजो का मटेरियल है रेयन है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला रेयन है गाइस। सो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से प्लाजो और स्कर्ट की ये लुक आ रही है, और इस पे मैंने दुपट्टा भी डालकर आपको दिखाया है। अगर ये तो एक इंडो वेस्टर्न लुक हो गई, बट अगर आपको फुल इंडियन लुक चाहिए तो आप दुपट्टा भी ले सकते हो। मेरे पास करेंटली अभी ये दुपट्टा गोल्डन कलर की अवेलेबल थी, तो मैं ये गोल्डन कलर दुपट्टा आपको लेकर दिखा रही हूँ। दुपट्टा के साथ ओहो दुर्गा पूजा में पहनूँ या दिवाली में पहनूँ गाइज, बहुत प्यारी लगेगी। सो हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर से बताओ।
नेक्स्ट और लास्ट मैंने ये ब्लू सॉलिड ड्रेस अटैच रफल दुपट्टा वीनेक गाउन चूज़ करा है। पफ स्लीव के साथ है ये, अटैच लाइनिंग है गाइज इस पे, एंड इसका जो मटेरियल है सैटन मटेरियल है, बहुत ब्यूटीफुल गाउन कम साड़ी है ये। तो पीछे से इसकी जो रफल्स है ना, जो मतलब पल्लू है वो बनी हुई है ऐसे, और पीछे से आगे को आती है, रफल्स ऐसे बने हुए एक साइड पे, और कुछ इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रही हूँ बैक से आप फ्रंट पे ऐसे आंचल ले सकते हो। सो प्लेन वी नेक के साथ है, फुल गाउन प्लेन है, बस आपको वी नेक पे गोटा पट्टी की पतली सी डिटेलिंग गोल्डन कलर की मिल रही है, और इसको मैं आपको वेयर करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लग रही है। सो ये जो फ्लावर मैं हमेशा अपने बालों पर लगाती थी, वो आज मैं यहाँ पे पिन पे लगा रही हूँ, क्योंकि आप भी बोर हो गए होगे लाइक इतना मैंने हेयर पे लगा के दिखाया। सो इसके साथ आती है ये ब्रॉड बेल्ट जिसपे जरी का वर्क करा हुआ है, एंड इसकी बेल्ट ही इसकी मतलब जान है इस ड्रेस की, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड इस पर मेरा साइज मीडियम है गाइज, प्राइस इसकी 2600 रुपीज़ में मुझे सेल पे मिली है। कलर बहुत ब्यूटीफुल है, फ्लेयर बहुत प्यारा है, एंड इस पर मैंने ये गोल्डन ईयर रिंग्स डाले हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका, हॉल में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, माई ज्वेलरी कलेक्शन पे आप अगर क्लिक करोगे तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। बेल्ट सॉरी बैक के लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो कुछ इस तरीके से फुल लुक इसकी क्रिएट हुई है, और पल्ला आप चाहो तो थोड़ा नीचे को करके पीछे को छोटा भी रख सकते हो। मेरी हाइट 5'4" है, 2 इंचेस मैंने हील्स पहने हैं, और कुछ इस तरीके से लेंथ है। फ्लेयर बहुत अच्छी है इसकी, एंड बहुत फ्लोई गॉन है ये गाइज, और इतना हल्का फुल्का मटेरियल है कि पहनोगे तो बिल्कुल भी हेवी फील नहीं होगा। आप यू नो कोई वेडिंग फंक्शन में डांस भी कर सकते हो, और डीपी पूजा पे अच्छी लगेगी, दिवाली पे अच्छी लगेगी। बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है, इसकी स्लीव्स की जो पफ है वो भी मुझे बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी आप मुझे बताओ, आप हेयर स्टाइल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो वी नेक है तो मैंने थोड़ा रिफाइन करने के लिए यहाँ पे जूड़ा करा है, फ्लोई है, फ्लेयर भी बहुत अच्छी है, साइज़ मेरा मीडियम है, प्राइस इसका 2600 रुपीज़ है। सो इसे भी हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। कैसी लगी आज की ये वीडियो, ये हॉल, कमेंट पे ज़रूर से बताओ। पसंद आए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर से करके सपोर्ट करो, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो बनाने में सीरियसली बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा प्यार दो इस चैनल को, लाइक करो, कॉमेंट करो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।